पाकिस्तान उबल रहा है इसलिए नहीं कि वो पूरा की पूरा कश्मीर चाहता है, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान अब अमन चाहता है। पाकिस्तान आतंकवाद का टैग हटाना चाहता है। पूरी दुनिया की जिल्लतें सहने के बाद अब पाकिस्तान अमन की जीवन जीना चाहता है। इस पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठाई है पाकिस्तान के ही चैनल के एक एंकर ने। जी हाँ, हुकूमत बताए ना बताए हम आपको बताते हैं कि मिन हैसुल कौम हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि मुख्तलिफ फौजी और जमहूरी हुकूमतों की दहशतगर्दी के बारे में दोहरी पॉलिसियों के नतीजे में आज वाकई हमारा वतन अजीज, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाक एंकर हर उस दाग को फिर दिखा रहा है जो आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान पर लगते रहे हैं। हमारा वतन अजीज पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की सबसे बड़े गढ़ की शनाख्त इख्तियार कर चुका है। जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो इसका इलाज क्या खाक करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी जो भी आतंकी हमले हुए उसकी रणनीति भी पाकिस्तान में ही तैयार होने का आरोप लगाया गया है इस चैनल के जरिए। पाकिस्तानी कौम को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि इस इलाज के तौर पर अमरीकी, भारतीय और इसराइली साजिश के लॉलीपॉप देने के बजाय बताया जाए कि सिर्फ गुज़िश्ता 3। एंकर ने हर उस घटना का जिक्र किया जिससे कभी न कभी कोई न कोई देश दहलता रहा है, और इत्तेफाक से या मर्जी से हर घटना में किसी न किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का हाथ पता चलता ही गया। यह आफत बपा करने वाले खुद कुछ हमलावरों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी अमरीकी नहीं था और एक भी इसराइली नहीं था। सब के सब खुद कुछ हमलावर पाकिस्तानी थे। अगर हमें अपने इस मुल्क को, इस वतन अजीज को बचाना है, इसे भारत नहीं तो कम से कम बांग्लादेश की सतह तक लाना है और फिर उसके बाद इसे मुस्लिम मुल्क मलेशिया जैसी तरक्की से हम करार कर, तो ये सब बदलना होगा। ये तब्दीली सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है और वो ये कि फौजी और सियासी क्यादत अवाम को साथ लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ यक रुकी। इसका सबसे मरकजी किरदार अब से थोड़ी दिनों पहले पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है। इस वीडियो में एंकर ने हर उस घटना का जिक्र किया है जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई देश दहलता रहा है। इसे इत्तेफाक कहें या मर्जी, इस हर घटना में हर बार पाकिस्तान का हाथ रहा है, और इल्तिजा की गई है कि यदि पाकिस्तान को पाक देश बनना है तो हर इन घटनाओं से उसे बाज आना पड़ेगा।